औरत दूसरों की खुशी के लिए कितनी आसानी से कितना कुछ बदल देती है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं उसका अपनाया हुआ ये बदलाव हमेशा उसे खुशी दे। नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में। ज्यादा मत खा, सारे दिन भर जंगल ही जाती रहेगी। के इन शब्दों के बाद उसके मन में सिर्फ एक ख्याल था। आत्मा तो न जाने मेरी कब से अतृप्त थी, इन शब्दों के बाद तो मुझसे पेट भरने का भी अधिकार छिन गया था, और सिर्फ इसलिए कि मेरे हाथ का लोटा परिवार के दिखावटी सम्मान पर बट्टा न लगा दे। उसने अतृप्त भूख और अपना अपमान दोनों बर्दाश्त कर लिया और मौन हो गई। एक बार फिर हमारी मुहिम ने एक गांव अचरोल का रुख किया, क्योंकि बदलाव के लिए टकराव और निरंतर चोट दोनों ही बेहद जरूरी है। दर्शकों, यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में यानी कि भारत में शौचालयों से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल होता है। यानी कि बेशक हम डिजिटल इंडिया बन गए हैं, लेकिन जागरूक इंडिया कब बनेंगे? महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और उनके स्वास्थ्य को समझते हुए फर्स्ट इंडिया ने एक मुहिम का आगाज किया है, घूंघट हटाओ शौचालय बनाओ। आज हम अपनी इसी मुहिम को लेकर के पहुंचेंगे अचरोल गांव, जहां के सरपंच से हम बात करेंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में शौचालय को लेकर के क्या कुछ काम किए हैं, क्या कुछ जागरूकता फैलाई है, और यहां के लोगों से भी जानेंगे कि शौचालय के निर्माण को लेकर के उनका क्या कुछ रवैया है। आइए चलते हैं। दर्शकों, जब महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और उनकी सुरक्षा की बात आती है तो हमारे जहन में जो सबसे पहला शब्द आना चाहिए वो होता है शौचालय। इसी सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट इंडिया ने एक मुहिम का आगाज किया है, घूंघट हटाओ शौचालय बनाओ। आज हम अपनी इस मुहिम को लेकर के पहुंच गए हैं अचरोल गांव, जहां के सरपंच बीएस कटारिया जी हमारे साथ हैं। इस विषय पर हम इनके विचार जानेंगे और जानेंगे कि इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम किए हैं महिलाओं के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, शौचालय के लिए। सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, आधे घंटे मेरे नित्य कर्म करके और 6 बजे मैं मुहिम पर निकलता हूँ। ओके, जहाँ भी खुले में शौच करते हैं उन लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, बात करता हूँ उनसे। शासन की तरफ से 12,000 रुपये की सब्सिडी जरूर मुहैया हुई है, पर एक गटर और बाथरूम में 25,000 रुपये लगते हैं। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि 5 किलो 10 किलो का आटा ला करके और अपना पेट पालन करते हैं, उन लोगों के लिए 25,000 अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं उन लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ, भाई सामान मैं दिलवा दूंगा, आप किस्तों में आप रिटर्न कर देना, और प्रयास कर रहा हूँ बराबर। और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, शौचालय तो अत्यंत ही ज़रूरी है। अपनी माँ हो, बहन हो, अपनी बेटियाँ हो, उनकी अस्मिता, उनकी हारी बीमारी, उनकी इज्जत, वो हमारी इज्जत है। और उसी चीज़ को लेकर के मैं बराबर प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम पर लगा हुआ हूँ। सर, ये तो बात हुई कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है उनके उनको आप सहयोग करते हैं, उनको आप प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन जो सामुदायिक केंद्र हो गए, जैसे क्षेत्र का सामुदायिक केंद्र होता है वहाँ के शौचालयों की मैं बात करूँ, आंगनबाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ के शौचालयों की मैं बात करूँ, स्कूल होता है वहाँ के शौचालयों की मैं बात करूँ, इसका जो मतलब एक तरह से दायित्व है वो आपके हाथ में है, तो इन जगह के शौचालयों की क्या कुछ स्थिति है? और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पहले इन सारी जगहों की शौचालयों की क्या स्थिति है। मेरे अचरोल ग्राम के पंचायत सर्किल में एक भी सामुदायिक भवन, एक भी विद्यालय शौचालय विहीन नहीं है, सभी में मैं करीब करीब बनवा चुका हूँ। सर, उन शौचालयों का रख रखाव किस तरीके से किया जाता है? उन शौचालयों के रख रखाव के लिए हमारी जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है जी, उसके कार्यकर्ता स्वैच्छिक सेवाएं देते हैं, वो साफ सफाई की व्यवस्थाएं करते हैं और हम पूर्ण सुविधा मुहैया करवा रहे हैं। ये तो सर बात हो गई कि स्कूलों की और आंगनबाड़ी की और सामुदायिक केंद्रों के शौचालय की। अब जो दूसरा मुद्दा हमारे सामने आता है वो होता है सबसे बड़ा कि जैसे जो लोग नहीं बनवा सकते शौचालय वो सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करें, तो आपके क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों का क्या कुछ प्रबंधन है? उसके लिए हमारे पास में बजट की कमी है, फिर भी हम
कोशिश करते हैं शासन और सत्ता से दूर हट करके, हम जन सहयोग से ऐसे मैंने 3 स्पॉटों पर मैंने ऐसे निर्माण करवाए हैं सार्वजनिक स्थानों पर, और भी जन सहयोग से ऐसे जो स्पॉट है उनको मैं चिन्हित कर रहा हूँ। अभी 22 महीने मेरे को बैठे हुए हैं, तो सार्वजनिक सहयोग से बाकी जहाँ कहीं कमी है वो भी मैं पूर्ति करने के लिए तत्पर हूँ, प्रयासरत हूँ। जिन जगहों का आपने अभी जिक्र किया कि सार्वजनिक शौचालय वहाँ पे आपने निर्मित करवाए हैं, तो उन जगहों के सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव कैसा है और आप लोगों को कैसे प्रोत्साहित करते हैं कि वो इसका इस्तेमाल करें? उसके लिए जो जिस परिसर में मैंने ऐसे निर्माण कराए, कभी आप देख के जाना बस स्टैंड पर ऐसा एक तांबी मार्केट में, तो वहाँ के आसपास के रहने वाले दुकानदार और जो व्यापारी वर्ग है उनकी मैंने कमेटियाँ बना दी हैं जी, वो लोग उनके रखरखाव की जिम्मेदारी लेते हैं, वो लोग उनके रखरखाव, हाँ उनकी कमेटियाँ बना रखी हैं। आपके व्यापारी लोग हैं वहाँ आसपास, तो आपके जो ग्राहक आते हैं उनकी भी सुविधा, जनता की भी सुविधा, तो इसके लिए वो लोग आपस में पैसा इकट्ठा कर लेते हैं अपने हिसाब से, प्रोत्साहन मेरा है और उस हिसाब से वो रखरखाव करते हैं उसका। सर अभी आपने कहा कि महिलाओं की अस्मिता के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बहुत ज़रूरी है, तो मैं इस साक्षात्कार के अंत में आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप एक बार हमारे लिए ये बोल दें, घूंघट हटाओ शौचालय बनाओ। घूंघट हटाओ शौचालय बनाओ। चूंकि सरपंच ने सारी तस्वीर हमें इतनी सुंदर दिखाई कि शक लाजमी था, इसलिए हम निकल पड़े अपनी तफ्तीश पर, जिसमें सबसे पहले हमने देखने चाहे वो सार्वजनिक शौचालय जिसका विजय गान सरपंच साहब ने चंद मिनटों पहले ही किया था। दर्शकों अभी हमारी सरपंच जी से बात हुई, उन्होंने दावे किए कि उन्होंने 3 जगहों पे इस स्थान पर सार्वजनिक शौचालय बनवा रखे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारी गाड़ी लगभग 6 किलोमीटर घूमी और सारी जगहों पर हमने ढूंढा, जो जो जगह उन्होंने बताई थी, तांबी मार्केट बताया था, न्यू बस स्टैंड बताया था, पुराना बस स्टैंड बताया था, 3 जगहों का उन्होंने जायज़ा दिया था, हमने उस क्षेत्र का जायज़ा लिया, लेकिन हमें एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं मिला। अब इस क्षेत्र के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या वाकई इस क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय एक भी है या नहीं है। मैडम बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे छोड़ गांव में एक भी शौचालय नहीं है, सार्वजनिक शौचालय। हाँ बिल्कुल, जो सड़कों पे सरकार बना करके देती है, बिल्कुल भी नहीं है, लेडीजे आदमी सब परेशान है, यहाँ पे स्टैंड मैन स्टैंड है जहाँ पे जो लोग आते हैं वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जैसे आदमी है तो आदमी तो कहीं भी चला जाता है। हाँ आदमी लेडीजों के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। आप क्या कहना चाहते हैं? लेडीज की परेशानी होती है, बाहर की कोई भी गाड़ी डिटेक्टर नहीं है, तो लेडीज ने जाने की जगह नहीं है यहाँ पर। तो दर्शकों आपने इस क्षेत्रीय लोगों को, इन क्षेत्रीय लोगों को सुना, इनका भी कहना है कि इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। कोई कैसे खोखले दावे कर सकता है और इतनी हनक के साथ कैसे बोल सकता है कि मैंने ये काम करवाया है, जबकि उस क्षेत्र में वो काम हुए ही नहीं। बड़ी शान से कह तो दिया कि सबसे बड़ी पंचायत समिति की सबसे बड़ी पंचायत अचरोल में मैंने ये कराया वो कराया, लेकिन शायद यहाँ की आंगनबाड़ी देखकर आप भी पूछ बैठे कि क्या कराया। दर्शकों इस क्षेत्र के सरपंच वीसी कटारिया से बात करने के बाद, जब हम इस क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय की स्थिति जानने के लिए निकले तो वहाँ एक भी सार्वजनिक शौचालय हमें नहीं मिला, और जब हमने आंगनबाड़ी केंद्र का रुख किया तो हम पहुँचे एक इमारत में, यूं कहूँ कि ये एक संस्कृत विद्यालय है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो एक बार घुमा करके आपको ये इमारत पूरी दिखाएं। और इस बिल्डिंग में हम निकले तो थे आंगनबाड़ी की खोज में, लेकिन हमें जो बताया गया वो ये कि संस्कृत विद्यालय में एक कमरे में आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जा रहा है। मैं हमारे कैमरा पर्सन से ये कहूँगी कि वो एक बार आपको घुमा करके पूरी इमारत दिखाएं, फिर उसके बाद वो आपको वो कमरा भी दिखाएं जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जा रहा है, यानी कि इस क्षेत्र में कोई भी आंगनबाड़ी की व्यवस्थित इमारत ही नहीं है, एक संस्कृत विद्यालय में ही आंगनबाड़ी चलाया जा रहा है। हालात बद से बदतर हैं और दावे खोखले हैं, विकास कैसे होगा?
अब आंगनबाड़ी तक आ ही गए थे तो पास के ही उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थिति और बच्चों को दी जा रही सुविधाओं को जानना बेहद जरूरी था, जो अभी भी बेहतर होने के इंतजार में सामान्य थी। दर्शकों, हम पहुंचे हैं इस समय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अचरोल में। आपको बता दूं, विद्यालय ही वो जगह होती है जहाँ पे बच्चों को सारी शिक्षा दी जाती है, उनको सामाजिक ज्ञान दिया जाता है, नैतिक ज्ञान दिया जाता है। आपको बता दूं, इस क्षेत्र का जो शौचालय है इसकी इमारत बेहद जर्जर अवस्था में है। सफाई की बात करूं तो सफाई भी सामान्य है, बहुत अच्छी उसे नहीं कहा जा सकता, सामान्य है, लेकिन इमारत बहुत ही जर्जर अवस्था में है। यहाँ के एक केयरटेकर हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। शौचालय में नियमित रूप से सफाई करवाई जाती है और पानी वगैरह से भी डलवाया जाता है, समय समय पर फिनाइल का भी उपयोग किया जाता है। पर इस विद्यालय में चतुर्श्रेणी कर्मचारी का एक ही पद पर कार्यरत है, एक ही पद स्वीकृत है, इसलिए उसके अभाव में भी कुछ सफाई में कमी रह जाती है। बाकी हमने सफाई के लिए जो है वो काफी जर्जर है इसकी। हाँ, इमारत तो जर्जर है, अब नया बनाने के लिए प्रयास करेंगे। इधर नया भी बनाया है बच्चियों के लिए और लेडीज स्टाफ के लिए, इसका भी जितनी बेहतर सफाई होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था जितनी बेहतर होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं नहीं। पानी ऊपर है टंकी में बंद, मुझे कोई टंकी नहीं, नहीं टंकी से ये सर ये नल तो मुझे लगता नहीं, ये काम नहीं आता है मैडम, काम आता है इसी से पानी डालते हैं इसमें। अच्छा, पानी की टंकी बनी हुई है, रख रखाव मेरे ख्याल से और बेहतर हो सकता है, रख रखाव बेहतर करवाने की कोशिश और करेंगे। प्रिंसिपल महोदय से इसके रिकमेंड करेंगे, आगे से रमसा से बजट होगी भी मंगवाने की। जी सर, इसका रख रखाव, इस क्षेत्र का रख रखाव किसके अंडर आता है? इस क्षेत्र के सरपंच के अंडर आता है। वो स्कूलों का और इन सारे विषयों पर जायजा लेते हैं आकर के? हाँ, समय समय पर मीटिंग होती है, हर महीने हर मासिक मीटिंग होती है जिसमें गाँव वालों को सभी सरपंच वार्ड मेंबर और गाँव वाले सभी आते हैं जी, स्कूल की समस्याओं का। तो कभी ये शौचालय की समस्या उनके सामने नहीं रहा? नहीं, सब समस्या तो है उनके पास में। हाँ, उस पर मतलब अभी काम होना बाकी है। काम होना बाकी है, शीघ्र काम करवाया जाएगा, शीघ्र काम, विकास मत से। हाँ, डेवलपमेंट फंड होता है स्कूल में, उससे काम करवा दिया जाएगा जी। तो दर्शकों, इनका कहना है कि जो भी कमियां रह गई हैं, चाहे वो इमारत को लेकर के हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे थोड़ा बहुत सफाई को लेकर के हो, उस पर शीघ्र ये काम करेंगे और आगे से ये रवैया देखने को नहीं मिलेगा। अब ये सिर्फ बात है या इस बात को धरातल पर लाया जाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, हालात जो हैं उसे देख करके ये कहा जा सकता है कि स्थितियाँ सामान्य हैं, बेहतर नहीं है। दोस्तों, हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में समय है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा।